Hey guys, touch the layer everyone and welcome back to my channel. Ani dirin ka jin jin dung din na leng ye kran chola. Sha ga ji chang se khan de so go me ya on di te yi an di di pe le lo je ya so di ani sa di pe shimbu yore ta mix se yar ka do le na ani ngan chu ende do sa na shimbu pe yore. Okay guys, to miss aap sab ke liye leke aaya hu non veg ka ek सलाद लेके आया हूँ, विच इज़ वेरी सिंपल एंड ऑल्सो इट्स डिलीशियस गाइस, बिलीव मी। ये समर के लिए बेस्ट सलाद है ये नॉन वेज लोग के लिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। ओके, तो दंशो मजो शादी तुबे रे अन्य शादी ये दे लो खजी चपड़ा तुबे तो खेरा जो सी आ अन्य खेरा जो एंड रंग तुब रो अन्य शादी चितंग की खेरा जो तीस ख्याक्वान्यम तो ये ना अन्य तुबती ले ला जे अन्य सप्ताह खर तुब तुब यो रे यो मजो ख्याक्वान्यम तो ये दी अन्य ओन दी जेने अन्य यम तो यो मजो जी एन ओ कोर्ता एंड तो शा तुबती यो ओके तो अन्य मजो ले 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 दो तुब रो अन्य सप्ताह सुसु खर तुब 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 रे यो अन्य चुमना खेरा जो खर टप टप तु 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 तुब रो ओके गाइस तो अभी हम पहले मीट को काटते हैं। मीट को आप जितना पतला काट सके उतना काटो ना, इससे क्या होते आपका जब मीट बनाएगा और कुक करेगा उस टाइम बहुत इजी होता है। और ऐसे मैंने स्लाइस में काटा है, आप देखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा इसलिए ना, तो मैंने यहाँ बाइट पीसेस काटा है। वैसे शादी तुम सही अंतंग जो मेरीनेट चे हो रहा दिला मेरीनेट चे लगे दिला तंगशो गंजो अदरक चे अन्य कोपा दिनी दी पेस्ट रहा। तो अभी हम मीट को काट दिया है, अभी हम मीट को मैरिनेट करने के लिए मैं यहाँ जिंजर एंड गार्लिक को ना पेस्ट बना रहा हूँ इसको ना। तो दिन लगा जो कोपा दां अदरक दी लू चाहिए चे लगा जो छत दां यहाँ नुम तीस यो वों दी लू ने अन्य या कुछ न फुर्ता दां निशायर यो। तो अभी मैंने यहाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के तो ये अच्छा से आपको ना मिक्स करना है इसको ना। अच्छा से मिक्स करने के बाद हम एक ढक्कन लेके इसको ढक के रख देगा। एज आई ऑलवेज से मीट को जितना लंबा तक और मैरिनेट करेगा ना उतना टेस्ट आता है, मैं हमेशा बोलता हूँ आप सबको ना। तो लॉन्गर आपके ऊपर डिपेंड है, बट आज हमारा इजी वाला रेसिपी है तो मैं यहाँ रखती हूँ 15 मिनट के लिए। तो यहाँ मैं डिपिंग सॉस के लिए यहाँ चिली और गार्लिक को ग्रिल कर रहा हूँ, थोड़ा जस्ट मैं चूल्हा के ऊपर डायरेक्टली ग्रिल कर रहा हूँ। और आपके पास आग है तो आग के ऊपर भी कर सकते, इससे थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आएगा इसलिए मैं ग्रिल कर रहा हूँ ना। तो दिन आया सिबिन जंगू दंग कोपा या तीस में लट्टा रहा मैं लट्टा ना तीस दी का जुआ पे शिम्बू पे रहे हो। तो इसके ऊपर थोड़े से नमक डालो और हम इसको पेस्ट बनाते हैं। तो दिन अच्छा तीस लू अनि दीदी या वो जेने यो तुम तकम चोयंग जेला अनि गंजो यंग दिन अला कौन स्टार्ट तीस लू रा यंग फुर्ता जेक तंग या मिक्स जेक तंग। तो 15 मिनट के बाद हमने थोड़ा से कॉर्न स्टार्च डालो और एक बार मिक्स करो। और अब हम बॉईल करते हैं। इसमें दो तरीका है आपको, अब या तो आप बॉईल कर सकते हैं और या तो आपको फ्राई भी कर सकते हैं। बाय द वे अनि देल अच्छु खोर सावे जला निगा शादी लू अनि शादी लू सावे जला गंजो कमा चिक रंगा चोए रे यो खेना जो टाइमर दी सेटअप चेने शाशुरा। तो अभी मीट को मैं उबाल रहा हूँ गाइस, तो इसको बॉईल करने हमने 1 मिनट तक, अब मोर देन 1 मिनट आपको कुक नहीं करना है, जस्ट गिव इन माइंड। एंड ज़्यादा कुक होएगा तो इसको ना थोड़ा च्यूइंग गम की तरह हो जाता है गाइस। सो आफ्टर 1 मिनट जस्ट रिमूव द हॉट वाटर एंड जस्ट थोड़ा सा ठंडा पानी से इसको ना धो लो। तो दे लगा धनिया तीस लुए यो खेरा तो धनिया लुने धीरे चौंग जंगू लुने धीरे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मीट के साथ मिक्स करने लिए मैं थोड़ा सा धनिया ले रहा हूँ, और धनिया के बदले में आप स्प्रिंग अनियन भी यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो पहले जो हमने चिली पेस्ट कूटा था ना उसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ सोया सॉस, थोड़ा सा चिकन पाउडर और थोड़ा सा लेमन। तो थोड़ा सा चिली पेस्ट डालो, आपका टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसके मेजरमेंट पूरा मैंने इसमें साइट में मेंशन किया है और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी गाइस। तो अभी हम सॉस को निकालो एक बाउल में और थोड़ा सा हनी डाल के मिक्स करो अच्छा से, है ना। तो इसके बाद हम मीट डाल दें, इसमें मीट डाल के और हमने अच्छा से मिक्स करना है इसको ना।
Tadinang sauce di tasso and satay chalanganzo shadi lu, shaluni juru ya putan yerio. And DJ langanzo, tanya di luni yanko ni juruji tanga. Okay guys, so finally हमारे सलाद खाने के लिए रेडी है. आप देख सकते हैं कितना juicy और कितना tasty जैसे लग रहा है ना. आपको भी मुख में पानी आया ना जैसे मुझे आ रहा है. तो आप भी जरूर try करना. और believe me guys, अगर आप non-veg lover है तो you gonna be love it this recipe. और ये specially summer time में ऐसे खाया तो बहुत tasty है. That's it for today recipe. And if you like today recipe, please guys, don't forget to share with your friends and family. Like karo yaar, itna mehnat se bana raha hu aap sab ke liye. Aur yeah, thank you so much for watching my video and we'll see you in next video. Bye bye.